अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाउ बेटा, टुडे एन अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर फिजिक्स सब्जेक्ट, चैप्टर नेम इलेक्ट्रॉनिक्स, द टॉपिक नेम इज पी टाइप एन टाइप सब्सटेंस एंड डायोड। आपका ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं थोड़ा सा आपको चाहता हूँ कि आपसे इसमें कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हों। तो वी डिस्कस टुडे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेमी कंडक्टर मटेरियल। आपने सुना होगा कि इंसुलेटर एंड कंडक्टर वेरी सिंपल फिनोमिना, ईजीली इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाए, दिस इज कॉल्ड कंडक्टर। और जब इलेक्ट्रिसिटी पास आउट ना हो सके उसे हम कहते हैं इंसुलेटर। वेरी सिंपल फिनोमिना। बट इन अदर फिनोमिना इन यूर चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स, दिस इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर मटेरियल। सेमी कंडक्टर मटेरियल क्या होते हैं? सेमी मीन्स सम, कुछ। इट्स मीन कि ऐसे मटेरियल जिसमें से अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास आउट हो और कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट अ टाइम पास ना हो सके। वो तमाम कंपोनेंट जो इस सिस्टम पे बनते हैं हम उन्हें सेमी कंडक्टर मटेरियल कहते हैं। इट्स मीन हम ये कह सकते हैं कि सेमी कंडक्टर मटेरियल और प्योरली 100% गुड कंडक्टर और नॉट 100% इंसुलेटर। यानी कि 100% तो इंसुलेटर है और ना ही 100% ये कंडक्टर है। मिक्स आपका सिस्टम है, कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत फिजिक्स में हमेशा रही है इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, के जहाँ पे आपको कुछ अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करना होता है और किसी डायरेक्शन में अमाउंट ऑफ करंट को आपने स्टॉप करना होता है, मिनिमाइज़ करना होता है, तो वहाँ पे हम सेमी कंडक्टर मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैंने सेमी कंडक्टर की बहुत सिंपल डेफिनेशन जो है वो बेटा आपके सामने मैंशन की है। सेमी कंडक्टर अब चैप्टर नंबर 18 है बेटा, यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 18 का। अकॉर्डिंग टू योर रिड्यूस सिलेबस, आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग दो टॉपिक हैं चैप्टर नंबर 18 के। नंबर वन पी टाइप एन टाइप सब्सटेंस एंड नंबर टू पी एन जंक्शन डायोड या सिंपल डायोड भी से हम कहते हैं। तो सेमी कंडक्टर मटेरियल के हम एग्जाम्पल में कंसिडर करते हैं टू एलिमेंट आपके पास ऐसे हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होते हैं। नंबर वन सिलिकॉन एंड नंबर टू जर्मेनियम। बेटा ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनको हम एज अ सेमी कंडक्टर मटेरियल यूज़ करते हैं, लेकिन इन द स्टार्टिंग ये बहुत प्योरली फॉर्मेशन में नहीं होते, बहुत गुड कंडक्टर नहीं होते। हम इनको एक प्रोसेस जिसका नाम है डोपिंग। डोपिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या काम करते हैं, इन कंडक्टर को प्योरली हम इन एलिमेंट को सेमी कंडक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये इन द स्टार्टिंग गुड कंडक्टर नहीं होते। लेकिन टॉपिक हमारा टॉपिक नहीं है, इस वजह से मैं उसको डिटेल में इंटच नहीं कर रहा। आप अपने टॉपिक पर रहेंगे जो हमारा टॉपिक है कि सेमी कंडक्टर मटेरियल उसकी टू टाइप पी टाइप एंड एन टाइप सब्सटेंस क्या होते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम बेसिकली यूज़ होते हैं एज अ सेमी कंडक्टर मटेरियल। अब मैं यहाँ पर बात स्टार्ट करूँगा अपनी कि वॉट इज़ पी टाइप सब्सटेंस एंड वॉट इज एन टाइप सब्सटेंस। P-type means positive, P-type substance, इसको हम basically positive consider करते हैं, and N-type substance, तो P-type substance और N-type substance, N-type को हमें negative consider करेंगे और पी टाइप को जो है वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। अब बेसिकली हम यहाँ पे क्या फिनोमेना है, क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हमारी वर्किंग होती है। अब बेटा थोड़ा सा जो इसका लिंक है वो बेसिकली केमिस्ट्री से जाके भी आपका बिलोंग करता है, क्योंकि हम बात करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की। तो वो आपको पता है ओबियसली पूरे फिजिक्स में हमने कोई ऐसा चैप्टर स्टडी नहीं किया, कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिसके अंदर हमने डिस्कस किया हो अबाउट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। बट इन दिस फिनोमेना इन दिस सिस्टम ऑफ विच ऑफ चैप्टर नंबर 18 द कॉन्सेप्ट ऑफ पी टाइप सब्सटेंस एंड एन टाइप सब्सटेंस, हम यहाँ पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको फिजिकल फिनोमेना पे रखूँगा ताकि आपको और बेहतर अंदाज से बात समझ में आ जाए। अब बेटा यहाँ पे मैं आपको बहुत ही ईजीएस्ट वे के अंदर ये बात डिस्कस कर दूँ आपसे कि पी टाइप सब्सटेंस किस तरह आपके पास प्रिपेयर होते हैं, हम किस तरह उसको प्रिपेयर करेंगे पी टाइप सब्सटेंस को। इफ़ सिलिकॉन को अगर हम ऐड करते हैं, इस एडिट विथ बोरॉन एंड इंडियम,
अगर सिलिकॉन के साथ, मैंने आपसे क्या कहा कि सिलिकॉन इज एडेड विद बोरॉन एंड इंडियम, सिलिकॉन को ऐड कर दिया जाए बोरॉन और इंडियम के साथ तो प्रोड्यूस होते हैं, क्या प्रोड्यूस होते हैं, होल्स। होल्स अच्छा, आपके पास होल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, दो चीज़ें होती हैं। हम जब भी बात करते हैं पी टाइप के तो हम होल्स कंसीडर कर रहे होते हैं, हम एन टाइप की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन कंसीडर वहाँ पे कर रहे होते हैं। तो होल्स आर क्रिएटेड, ठीक है, होल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, एंड मटेरियल बिकम्स, अब क्या होगा, एंड मटेरियल बिकम्स, अब मटेरियल क्या हो जाएगा, मटेरियल बिकम्स अ गुड कंडक्टर। अब मटेरियल जो है वो गुड कंडक्टर की फॉर्मेशन में आ गया, मटेरियल बिकम्स अ गुड कंडक्टर। तो इट्स मीन द फिनोमेना ऑफ पी टाइप सब्सटेंस, इफ सिलिकॉन इज एडेड विथ बोरॉन एंड इंडियम द होल्स आर क्रिएटेड एंड मटेरियल बिकम्स अ गुड कंडक्टर। अब मटेरियल जो है वो गुड कंडक्टर के फॉर्म में आना शुरू हो गया। इन द स्टार्टिंग लेक्चर वी डिस्कस द फिनोमेना ऑफ सेमी कंडक्टर मटेरियल एंड वी कंसीडर एग्जाम्पल ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सेमी कंडक्टर मटेरियल में सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो बहुत अच्छे गुड कंडक्टर फंक्शन में नहीं होते, तो डॉपिंग फिनोमेना जो प्रोड्यूस करता है इनको, जो इनको कन्वर्ट कर देता है एक गुड सेमी कंडक्टर के अंदर, और उसके बाद हम पी टाइप सब्सटेंस फॉर्मेट की तरफ जा रहे हैं। तो सिलिकॉन इज एडिड विद बोरॉन एंड इंडियम, जब बोरॉन एंड इंडियम ये दो एलिमेंट, मैंने कहा ना केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो रही है आपके यहाँ पे, लेकिन मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कि यहाँ पे जो है वो आपको उस तरफ ना मूव करवाऊँ, क्योंकि आप होल्स पे, इलेक्ट्रॉन पे, स्ट्रक्चर पे चले जाएंगे और ये हमारे पास मैट्रिक लेवल का फिनोमेना नहीं है, मैट्रिक लेवल का स्टैंडर्ड नहीं है। इंशाअल्लाह इन सेकेंड ईयर जो है वो आप बहुत डिटेल में चीज़ों को डिस्कस कर सकेंगे। तो इस वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ पी टाइप सब्सटेंस, इफ सिलिकॉन इज एडिड विथ बोरॉन एंड इंडियम होल्स आर क्रिएटेड। मैंने आपसे फिर कहा कि जब हम पी टाइप की बात करेंगे तो होल्स प्रोड्यूस होते हैं, जब भी हम पी टाइप की बात करते हैं तो होल्स प्रोड्यूस होते हैं। होल्स को हम इस तरीके से सिंबल से शो कर रहे होते हैं, जो आपके एक फिगर बनती है, एक पेन जंक्शन का पाथ आपको शो करवाया जाता है, लेकिन वो बहुत डिटेल हो जाएगी। तो बस डेफिनेशन अपने पास समझ लीजिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पी टाइप सब्सटेंस, कि इफ सिलिकॉन इज एडिड विद बोरॉन एंड इंडियम होल्स आर क्रिएटेड एंड मटेरियल बिकम्स अ गुड कंडक्टर। अब जब मटेरियल गुड कंडक्टर बन गया, बिकम्स अ गुड कंडक्टर, और ये जो गुड कंडक्टर है इट्स इज नोन एज द पी टाइप सब्सटेंस। तो अब सिलिकॉन जो है वो एक सेमी कंडक्टर मटेरियल तो है, प्योरली सेमी कंडक्टर मटेरियल हो गया, बट इट एक्ट एज अ पी टाइप सब्सटेंस। अब सिलिकॉन एक्ट कर रहा है एज अ पी टाइप सब्सटेंस, यानी कि सिलिकॉन ने अब आपको पी टाइप सब्सटेंस प्रोड्यूस कर दिया, इट्स ओके। नाउ मूव ऑन एन अदर एन टाइप सब्सटेंस। एन टाइप सब्सटेंस फॉर्मेशन कैसे होगी, अगेन वी एड सम एलिमेंट विद द दिस टू सिलिकॉन और जर्मेनियम, नाउ इजीली कन्वर्ट एन टाइप सब्सटेंस। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द पी टाइप substance. Now move on the another concept of n-type substance. N-type substance अच्छा, n-type substance में basically produce होंगे आपके पास electron. अब यहाँ क्या हो रहा है, very simple phenomena. N-type substance, in n-type substance यानी कि नेगेटिव की बात हो रही है, अगेन इफ सिलिकॉन इज एडिड, अब सिलिकॉन के साथ हम ऐड कर दें, इफ सिलिकॉन इज एडिड, इफ सिलिकॉन इज एडिड, इफ सिलिकॉन इज एडिड किसके साथ, इफ सिलिकॉन इज एडिड विथ आर्सेनिक
एंड अदर एलिमेंट एंड फॉस्फोरस, ये दो एलिमेंट आपके पास. अब हम क्या करेंगे, आर्सेनिक और फॉस्फोरस ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनको आप ऐड कर दें विथ सिलिकॉन. नाउ यू विल बी ईजीली कन्वर्ट सिलिकॉन बिकम अ गुड कंडक्टर एंड इट एक्ट एज अ एन टाइप सब्सटेंस. कि अब आप सिलिकॉन को अगर ऐड करवा दें आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस के साथ, यू विल ईजीली कन्वर्ट एंड यूजली फॉर्मेट एंड प्रोड्यूस अ एन टाइप सब्सटेंस ऑफ एनी मटेरियल. अब आपके पास एन टाइप सब्सटेंस बन जाएगा. तो सिंपल डेफिनेशन आपके सामने मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि इफ़ सिलिकॉन इज एडिड विद आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस, नाउ इट बिकम अ गुड कंडक्टर एंड दिस इज एक्ट एज अ एन टाइप सब्सटेंस. इफ़ सिलिकॉन इज एडिड बोरॉन एंड इंडियम, अगर इंडियम और बोरॉन के साथ ऐड करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाता है आपके पास किस में, पी टाइप सब्सटेंस के अंदर. जो मैं समझता था कि बहुत ईजीएस्ट वे आपके पास होगा, तो आप में डेफिनेशन आपको पता होने चाहिए, उतना ही आपके वर्किंग है इन मैट्रिक क्लास के हिसाब से. आई होप यू ईजीली अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सेमी कंडक्टर मटेरियल एंड पी टाइप सब्सटेंस एंड एन टाइप सब्सटेंस. नाउ स्टूडेंट वी मूव ऑन दी एन अदर टॉपिक, वेरी स्मॉल टॉपिक, डायोड. व्हाट इज डायोड? इन स्टार्टिंग लेक्चर वी डिस्कस दिस सेमी कंडक्टर मटेरियल कि सम अमाउंट ऑफ करंट पास, कुछ अमाउंट ऑफ करंट पास आउट हो जाएगा और कुछ अमाउंट ऑफ करंट जो है वो सिस्टम में स्टॉप हो जाता है. डायोड एक सेमी कंडक्टर मटेरियल है. क्यों, वाई, क्यों ये एक सेमी कंडक्टर मटेरियल है? ये सेमी कंडक्टर मटेरियल ये है कि डायोड की प्रॉपर्टी ये है, डायोड का फंक्शन ये है कि ये वन डायरेक्शन में करंट को फ्लो करते हैं. हमारे पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो डायोड को हम कंसीडर करते हैं ओनली वन पाथ फ्लो, जो एक सिस्टम में एक पाथ में करंट को फ्लो करे और दूसरी डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में करंट के फ्लो को स्टॉप कर दे. दिस इज़ कॉल्ड डायोड और इज ऑल्सो कॉल्ड पी एन जंक्शन. इसे हम पी एन जंक्शन भी कहते हैं. वाई इज कॉल्ड पी एन जंक्शन? पी मीन्स पी टाइप एंड एन मीन्स एन टाइप सब्सटेंस, एन जंक्शन मीन्स पाथ, द पाथ ऑफ करंट. ठीक है, तो डायोड इज बेसिकली इज यूज एज द पी एन जंक्शन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पाथ. एंड डायोड हमेशा एक डायरेक्शन में करंट को फॉलो करेगा. और आपको मैं बता दूं यहाँ पे एक बात है, मैं रखिएगा अपने, कि बेसिकली डायोड का फंक्शन ये है कि वन पाथ में करंट को फॉलो करना, ऑपोजिट में रोकना. लेकिन जेनर डायोड जो है वो आपके पास वो एक ऐसा डायोड है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अगर हमें दो डायरेक्शन में काम करना है तो. वो डिफरेंट कंडीशन के ऊपर है, एक नॉलेज के लिए मैंने आपसे बात शेयर कर ली है. तो बेटा आई होप यू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट ऑफ दी पी टाइप एंड एन टाइप सब्सटेंस एंड सेमी कंडक्टर मटेरियल एंड डायोड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी इंजेक्शन. पी इंजेक्शन और डायोड बहुत आर सेम, की दोनों सेम चीज़ें हैं. ठीक है बेटा, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़.